10 फरवरी से शनि के घर में विष योग का निर्माण, शनि और चंद्रमा की अनिष्टकारी युति, विष योग का घातक प्रभाव, किनको झेलना पड़ेगा मानसिक तनाव, किनके बिगड़ेंगे हर कार्य, किनके रिश्तों में आएगी खटास, किनको होगा शारीरिक कष्ट, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य डॉक्टर मयंक शर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया से इस बार हम लेकर आए हैं विष योग की विचित्र युति। जी हाँ, जिसमें शनि और आपके चंद्रमा की युति होती है। आपको बता दूं कि इस बार जो विष योग बन रहा है वो 10 फरवरी को बन रहा है कुंभ राशि में, जहां शनि पहले से बैठे हुए हैं और अब जैसे ही चंद्रमा 10 फरवरी के दिन तकरीबन प्रातः सुबह 10 बजे के लगभग जब शनि के घर में चले जाएंगे तो शनि और चंद्रमा की युति से विष योग की निर्माण हो जाएगा। और देखिए, ज्योतिष में तो विष योग को एक एक शुभ दृष्टि से तो कभी देखा नहीं गया है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं जिसे ये जानेंगे कि 10 फरवरी से जैसे शुभ योग आरंभ हो जाएगा, इसका किन 4 चुनिंदा राशियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, इस पे तो जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार जिन लोगों का जन्म विष योग में होता है, जिनकी कुंडली में ही विष योग बना रहता है, उन पे विष योग का किस प्रकार का असर उनकी पूरी जिंदगी भर देखने को मिलता है, बताएं मैं जी। बिल्कुल कविता जी, देखिए सबसे पहले दर्शकों को बता रहे थे कि विष योग आखिर होता क्या है। जैसे आपने अभी समझाया कि शनि चंद्रमा की युति होते ही विष योग का निर्माण होता है। देखिए, चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, जब वो शुभ ग्रहों के साथ आता है तो शुभ योग बनाता है, अगर गुरु के साथ आता है तो चंद्रमा ये जो है और भी पावरफुल होता है। कहते हैं कि चंद्रमा की पावर दूसरे ग्रह के साथ बैठे ग्रहों से तय होती है जी। अगर चंद्रमा कुंडली में आपके अकेला बैठा है, उसके एक घर पहले या एक घर बाद पे कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो वो केमेद्रुम योग बनता है। ऐसा चंद्रमा चाहे कोई सी भी राशि हो बहुत ही कमजोर हो जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर मानसिक तनाव, मनोबल की कमी होना, आत्मविश्वास की कमी होना, किसी भी काम सफलता ना मिलना और बहुत ज्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन हो जाता है। तो चंद्रमा जैसे ही दूषित हुआ तो हमारा मन पीड़ित हुआ। चंद्रमा गोचर में पूरे एक महीने में कविता जी 3 बार दूषित जरूर होता है। यानी कि चंद्रमा जब राहु के साथ आता है, चंद्रमा जब केतु के साथ आता है और चंद्रमा जब शनि के साथ आता है। अब आज चंद्र शनि की विष योग की बात हो रही है। चंद्रमा शनि के साथ बैठने से चंद्रमा सबसे ज्यादा दूषित हो जाता है। यानी कि चंद्रमा का जो स्वभाव है, शांत स्वभाव रहना, शांत मन रहना और अच्छे कार्य करना, जब चंद्रमा दूषित होगा तो व्यक्ति कुसंगति की ओर जाता है, गलत कार्य करता है, नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देता है। हमने बहुत सी ऐसी कुंडलियां देखी है जो लोग ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, बहुत ज्यादा एल्कोहल लेते हैं जी, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं विष योग किसी ना किसी रूप में बना हुआ होता है। कहीं ना कहीं अशुभ स्थितियां होती हैं, शनि चंद्रमा की स्थिति खराब होती है कि व्यक्ति कहना अपने जीवन में विष घोलने का प्रयास करता है और हमेशा विष के आसपास ही रहता है। तो ये योग ज्योतिष में अशुभ योगों की युति में इसका नाम आता है। जिसकी कुंडली में विष योग है, अगर कोई व्यक्ति विष योग में पैदा हुआ है तो एक तो वो 7.5 में पैदा हो गया है। दूसरी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा जो जातक होता है, बच्चा होता है, वो हमेशा डिप्रेशन में, टेंशन में, स्ट्रेस में, घबराहट में रहता है, हमेशा मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इस योग का ये लक्षण है। अब जब गोचर में 10 तारीख को सुबह 10:30 बजे से लेके 12 तारीख की शाम को 8:30 बजे तक ये योग बनेगा, तो इन 2.5 दिनों में सभी राशि वाले थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, स्ट्रेस रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है, नुकसान हो सकता है कुछ राशियों को, या परेशानी, व्यर्थ की परेशानियां इन 2.5 दिनों में झेलनी पड़ेंगी। तो इस विष योग के चलते मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। अगर आप समझिए कि अभी आप किसी काम को बहुत सही तरीके से कर रहे हैं और विष योग का निर्माण हो गया, तो इसका रिजल्ट आपको आधे एक घंटे में दिखना शुरू होगा। आपके मन में व्याकुलता बेचैनी बढ़ेगी, किसी से व्यर्थ का वाद विवाद हो जाएगा, कोई काम गलत कर देंगे, कुछ गलत बोल देंगे या इस तरह की गलत जगह पैसा लगा देंगे, गलत डील हो जाएगी। तो इसलिए मैं दर्शकों को कहता हूं कि अगर विष योग है तो कोशिश करें इन अशुभ योगों में कोई भी हमें नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए जी। इस दौरान कोई रिश्ता नहीं करना चाहिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए, या आपकी कुंडली में ग्रहण दोष बन रहा हो राहु चंद्रमा या केतु से, तो भी हमें
कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत जो है नहीं करनी चाहिए, वो समय को टाल देना ही बेहतर कहा जाता है। और इस समय पे अपने मन पर नियंत्रण रखना होता है, संयम रखना होता है, शांत मन रखना चाहिए। इस दिन अगर आप फास्टिंग करेंगे, तो हम आपको एडवांस में बता रहे हैं, इस दिन अगर आप फास्टिंग करेंगे जिन राशियों को परेशानी है, तो देखेंगे बड़ी राहत भी आपको मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन मैं जी उनका क्या जो इस विष योग में ही जिनका जन्म होता है, तो क्या वो जिंदगी भर परेशान रहते हैं? बिल्कुल कविता जी, ऐसा मेरा मान्यता ये है कि 42 वर्ष की आयु तक ये लोग बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से पीड़ित रहते हैं। अब देखिए जिस तरह से लग्न बली होता है, चंद्र लग्न भी बहुत बली होता है। जिन व्यक्तियों का कुंडली में लग्न कमजोर होती है, उनकी कुंडली हम चंद्र कुंडली के अनुसार देखते हैं कि दोनों में से एक लग्न बली है तो चलिए ठीक है। अब आपका लग्न कमजोर है, ऊपर से चंद्रमा शनि राहु या केतु के साथ भी आ गया, तो चंद्रमा भी कमजोर हो जाएगा, चंद्र लग्न भी कमजोर होगी जी। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे जो है थोड़े सुस्त होते हैं। अगर बच्चों की बात करें तो पढ़ाई लिखाई में वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि ढीला रवैया अपनाते हैं, पढ़ाई लिखाई में सुस्त रहेंगे, भूल जाएंगे, या उनके जीवन में उदासीनता रहेगी, कम बोलना पसंद करते हैं ऐसे लोग, बेचैन रहते हैं, जल्दी टेंशन लेते हैं, जल्दी रो पड़ते हैं ऐसे बच्चे। जो बड़े लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो भी एक उनके अंदर हेजिटेशन होती है। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो पब्लिक मीटिंग में भी किसी के साथ बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं हो पाते या बात नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चंद्रमा पीड़ित है उनका, इसके चलते वो अपने जो विचार वो खुल के प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो विषयोग में अगर आपका जन्म हुआ है, तो जो आज हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे वो आप लोग जरूर करें। जिन चार राशियों को समस्याएं होने जा रही है, उनको भी ये उपाय, ये व्रत इत्यादि दान दक्षिणा करना चाहिए, जिससे कि ये अशुभ घड़ी को शांति से टाला जा सके। बिल्कुल, तो अब आइए फटाफट से इन चार चुनिंदा राशियों के बारे में मैं जिसे जान लेते हैं, जिन्हें इस विषयोग के दौरान सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्हें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ सकता है। मैं जी पहली राशि आप किसे लेंगे? देखिए जैसे कविता जी ये अगर बात करें तो कुंभ राशि में ये विषयोग बनता है शनि चंद्रमा की, जो सबसे पहली जो राशि है वो कर्क राशि है। कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में विषयोग बनता है, धैया भी आप ही के ऊपर चल रही है, तो यहाँ इन दो ढाई दिनों में आप कहीं पैसा मत लगाइए, किसी को पैसा उधार मत दीजिए, कोई बड़ी डील हो तो उसको टालें, नए काम की शुरुआत ना करें और अपनी सेहत का विशेषकर ध्यान रखें। इन दो ढाई दिनों में खासकर 10 और 11 तारीख को आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रह सकता है, किसी से वाद विवाद हो सकता है, खासकर घर में धर्मपत्नी के साथ या ऑफिस में अपने बॉस के या सीनियर्स के साथ, तो उस चीज को आपको टालना चाहिए जी। दूसरे नंबर पर आधे कन्या राशि, क्योंकि छठे भाव में युति बन रही है, तो अनायास खर्च में वृद्धि हो सकती है, घर का कोई आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कोई गुड्स जो है वो खराब हो सकते हैं, या आपका कोई सामान गिर सकता है, छूट सकता है, तो भाई लापरवाही दौरान ना करें। कार्यस्थल पर परेशानियां रह सकती हैं, सेहत संबंधी परेशानियां रहेंगी, कोई बड़ी डील इस समय ना करें, कोई नई शुरुआत ना करें। तीसरे नंबर पर, उसके बाद नंबर आता है वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि वालों के चतुर्थ भाव में ये बनेगा, तो घर परिवार में कलह, घरेलू वातावरण खराब होना आपकी वजह से, कोई ऐसी बात बोल देंगे जो पारिवारिक सदस्यों को बुरी लग सकती है, कार्यस्थल पर कोई आपसे लापरवाही हो सकती है, इस दिन कोई आपके खिलाफ ऑफिस में कोई बैक बाइटिंग या षड्यंत्र रच सकता है, तो थोड़ा संभल के चले इस योग में, वाणी पर संयम रखें। कोशिश करें कि अगर आप इस दिन फास्ट करें, ये सभी राशियां कर्क कन्या और वृश्चिक राशि अगर इस दिन फास्ट करें खासकर 10 तारीख को, तो आपको काफी हद तक बड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। चौथे नंबर पर शायद आप कुंभ को लेंगे। चौथे नंबर पर कविता जी मीन राशि है। जब मीन को ले रहे हैं, एक्चुअली कुंभ राशि में ये विषयोग तो बनता है, लेकिन लग्न में चंद्रमा रहेगा तो उतनी परेशानी नहीं है। 12वें नंबर की राशि मीन राशि में ये विषयोग 12वें भाव में बनेगा, जो कि अशुभ भाव होता है जी। जब वहां पर विषयोग का निर्माण होगा तो ये आपको बहुत ज्यादा तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी देगा, अनेक तरह की समस्या रह सकती है, किसी परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं, या अचानक से आपको अपना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है, तो सेहत संबंधी परेशानी भी रह सकती है। इन ढाई दिनों में कोई नए काम की शुरुआत बिल्कुल ना करें, कहीं पैसा भी मत लगाइए, अगर कोई लॉटरी जुआ सट्टा खेलते हैं या पैसा लगाते हैं तो नुकसान भी भारी हो सकता है जी। तो ये समय जो है संभल के चलने का है, इस दौरान फास्टिंग करें, अपने मन को शांत रखें, किसी से वाद विवाद ना करें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। चलिए इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।